So the environment of an organism can be divided into two groups, abiotic and biotic factor. तो abiotic factor में हमें study करना है अभी पहला factor वो है आपका temperature. दूसरा factor हमें study करना है आपका what? Light. तीसरा factor study करना है आपको soil. और चौथा फैक्टर स्टडी करना है वाटर. तो टेम्परेचर, लाइट, सॉइल एंड वाटर, दीज थ्री फैक्टर्स ओके आर वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर, जैसे अगर रिप्रोडक्शन करना है तो सीजन में होता है, लेकिन पर्टिकुलर सीजन में प्रॉपर टेम्परेचर में. सीड के जर्मिनेशन की बात करेंगे, है ना, जैसे कुछ सीड है जो जिनको लाइट चाहिए होता है, अगर लाइट नहीं रहा बोले सीड के, कुछ सीड जो है नेचुरली सॉइल के अंदर नहीं, सॉइल के सर्फेस पे ही रहते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर डीप चले गए तो जर्मिनेटिंग, उनको लाइट चाहिए होता है. फिर सॉइल, इसके भी न्यूट्रिएंट्स हर जगह पे, जो सॉइल का आपका कंपोजिशन अलग अलग होता है ओके. इसके लिए जो प्लांट आपका नॉर्थ में ग्रो करते हैं वो साउथ में ग्रो नहीं करेंगे, जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं वो आपके एक्वाटिक बॉडी में नहीं होंगे. फिर वाटर का अवेलेबिलिटी, वाटर कम है तो उसके हिसाब से देखो, योगर्ट वाटर के अवेलेबिलिटी की वजह से तीन कंडीशंस है. एक तो हो गया मॉडरेट वाटर, उसको कहते हैं मीजो कंडीशन, जैसे मीजोफाइट्स बोल सकते हैं. देन अगेन से डेजर्ट कंडीशन है, ड्राई कंडीशन है तो उनको जीरोफाइट्स कहेंगे, जेरिक कंडीशन कहते हैं. और अगर एक ऐसी पानी एकदम ज्यादा है तो उसको हाइड्रोफाइटिक कंडीशन कहते हैं ओके. तो उसको कंडीशन के हिसाब से जो है फिर ऐसा, ये भी हमको पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, जेरिक कंडीशन, फिर मेजिक कंडीशन और आपका व्हाट, हाइड्रॉक कंडीशन, हाइड्रॉक कंडीशन ओके. ये सब हमें पढ़ना है. फिर बायोटिक फैक्टर की बात करेंगे तो उसमें हमें फंक्शन के हिसाब से तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म अभी डिफाइन हो रहे हैं. एक तो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उससे दूसरे हैं आपके वर्ड कंज्यूमर्स, और तीसरे हैं आपके वर्ड डिकम्पोजर्स. ये तो हमारा हो गया वैकेंसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग स्टडी करते हैं. लेकिन अभी न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की बात करते हैं उनको अभी कहा जाता है मैक्रो कंज्यूमर्स, मैक्रो कंज्यूमर्स कहा जाता है. और जो डिकम्पोजर्स है दे आर माइक्रोस्कोपिक, इसके लिए उनको माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं. क्योंकि साइंटिस्ट बोलते हैं कि कंज्यूम मर का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. तो डिकम्पोजर भी तो वही काम कर रहा है, वो भी एक्चुअली क्या कर रहा है, वो डेड एंड डीकिंग मैटर को एक्चुअली कंज्यूम करते हैं या वेस्ट मैटर को कंज्यूम करते हैं. लेकिन वो कंज्यूम तो कर रहे हैं ना, इसके लिए वो भी कंज्यूमर ही है, खाली माइक्रो बोलेंगे. क्योंकि ज्यादा करके डिकम्पोजर आपको कौन है, डिकम्पोजर्स में आपके आते हैं बैक्टीरिया, योगर्ट फंगाई एंड योगर्ट एक्टिनोमाइसिट्स. तो ये तीन ग्रुप के जो माइक्रोजोम्स है ये आपके मेजर डिकम्पोजर्स हैं, ओके? देखो सारे बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स नहीं है, सारे यू कैन सी ऑलमोस्ट सारे के सारे फंगस यू कैन सी डिकम्पोजर्स है. कुछ फंगस पैरासाइट्स होते हैं और एक्टिनोमाइसिट्स सबके सब डिकम्पोजर्स हैं. कंज्यूमर्स में देखो, फिर प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो उसमें सारे ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेटिक. तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया ग्रुप है, तो बैक्टीरिया के ग्रुप करेंगे तो उसमें देखो क्या क्या आता है, उसमें आता है साइनोबैक्टीरिया. फिर प्रोटिस्टा ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें आता है आपका एक एनसी डायटम्स, जो ओशियन के ज्वेल्स भी माने जाते हैं, डिस्मिट्स कहते हैं. फिर योगर्ट डाइनोफ्लेजुलेट्स, डाइनोफ्लेजुलेट्स है ओके. देन योगर्ट यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स है. ये सब आपके एक एनसी वॉट, आपके प्रोटिस्टा लेवल और मिनरल लेवल के. उसके बाद में सारे के सारे एल्गी, जितने भी टाइप के एल्गीज है वो, और फिर सारे के सारे वॉट आपके प्लांट्स, वो आपके प्रोड्यूसर्स. और कंज्यूमर की बात करेंगे तो इसमें आते हैं सारे के सारे वोर्स. यहाँ पे देखो वोर्स की अगर बात करेंगे तो उसका मैं ऊपर लिखता हूँ, तो किस टाइप के वोर्स है देखो, यू गॉट हर्बीवोर, यू गॉट कार्निवोर्स, यू गॉट ओमनीवोर्स, है ना, ओमनीवोर्स. ये तो मालूम होगा ओमनीवोर जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों है. फिर इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्टिवोर्स. फिर वेस्ट को खाने वाले उसको डेटरी वोर्स कहते हैं. फिर जो खून चूसने वाले उसको सैंग्वी वोर्स कहते हैं.
ये सब कंज्यूमर ग्रुप का है, तो ये सब है ऑल कंज्यूमर्स। ओके बड़े बच्चों, तो चलिए अभी आज हम लोग वैकेंसी अबायोटिक फैक्टर्स को पहले एक एक करके देख लेते हैं। ओके क्योंकि एनवायरमेंट को स्टडी करना है, मतलब आपको अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर दोनों स्टडी करना है, तो पहले अबायोटिक फैक्टर करेंगे, उसके बाद में फिर बायोटिक फैक्टर करेंगे। तो पहला अबायोटिक फैक्टर अभी देखते हैं, वो है टेम्परेचर। ओके और टेम्परेचर की बात करेंगे, देखो इट इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि हर इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जोन होता है। ओके और उसका एक रेंज रहता है, तो टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, सीजन के हिसाब से जो है टेम्परेचर चेंज होता है। इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप। यानी कि अगर अर्थ की बात करेंगे तो उसमें इक्वेटर से अगर आप एक पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर अगर एक जमीन से आप जितना ऊपर जाओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा, और माउंटेन टॉप पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके इट कैन बी बिटवीन बिलो सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया टू हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड और पोलर रीजन में जो टेम्परेचर है सब जीरो लेवल तक जा सकता है, टू मोर देन 50 डिग्री। 50 डिग्री है बच्चों, ये 500 नहीं है, इट इज 50 डिग्री। तो 50 डिग्री टेम्परेचर तक ट्रॉपिकल डेजर्ट में, जैसे सबसे एक ऐसे खतरनाक डेजर्ट है आपका सहारा, कालाहारी, ओके और आपका इंडिया में पाया जाने वाला थार डेजर्ट, जहाँ पे टेम्परेचर समटाइम है रीच्ड इवन प्लस एक ऐसे 50 डिग्री को भी वो जा सकता है। ओके तो एवरेज टेम्परेचर इवन इन द थर्मल, कुछ जगह पे तो रहती है टेम्परेचर 100 डिग्री को टच करता है, तो हॉट स्प्रिंग्स हो गया, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जो आपके वॉल्केनिक पॉइंट या मेंटल रीजन के एकदम नजदीक होते हैं, ओके तो उनमें 100 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर हो सकता है। ओके अभी टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि अगर डीप रहेगा पानी के अंदर प्रेशर की वजह से जो होता है नेचुरली, है ना, वो टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री को क्रॉस करता है, मतलब तो प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी बॉयल करता है वो 100 डिग्री पे बॉयल नहीं करता है, 102, 104, 116 डिग्री रहता है कितना प्रेशर है। ओके तो अब देखो जो समुद्र के नीचे कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, तो उसके वजह से प्रेशर बिल्ड होगा, उसके वजह से जो वाटर उबलेगा तो वो 100 डिग्री पे नहीं, उससे ज्यादा के टेम्परेचर पे उबलता है। ओके फिर तो मैंगो ट्री, अभी तक लिमिटेशन है, मैंगो ट्री जो है वो क्या आपका मीजोफाइट है, तो मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेचर कंट्री, टेम्परेट कंट्रीज में वो ग्रो नहीं करते क्योंकि वो ट्रॉपिकल, तो मीजोफाइट है और वो ट्रॉपिकल रीजन में ही ग्रो कर सकता है। ओके तो हर रीजन में नेचुरली आपको यूनिक ऑर्गेनिज्म्स मिलेंगे, तो देयर इज नो स्नो लेपर्ड इन केरला फॉरेस्ट, तो स्नो लेपर्ड आपको नॉर्थ साइड पे मिलने वाला। ओके फिर ट्यूना फिशेज आर रेयर बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशन, तो टूना फिश जो वर्ल्ड के सबसे कॉमन आपके मरीन फिश है, सबसे ज्यादा इसका हार्वेस्टिंग होता है, मरीन फिश है। ओके तो वो ट्रॉपिकल रीजन में ही पाया जाता है। फिर टेम्परेचर अफेक्ट्स काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम बेसल मेटाबॉलिज्म एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो हर ऑर्गेनिज्म आपको मालूम है कि आपका जैसे एवरेज, हमारा बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री, और ज्यादा करके एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो 27 से 37 डिग्री के बीच में होता है, तो 27 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर हो गया या 40 डिग्री से कम हो गया तो एंजाइम फिर या तो इनएक्टिव हो जाते हैं नहीं तो नेचुरली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम देखो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था 11th सिलेबस में कि टेम्परेचर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स। इसके लिए देखो इसमें एक बात ऐड करना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिज्म 50 डिग्री टेम्परेचर है, 100 डिग्री टेम्परेचर, जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग में टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास होता है, तो वहां पे जो आपके बैक्टीरिया, ज्यादा करके बैक्टीरिया या एकदम अलग अलग टाइप के कैंसी रेजिस्टेंट मिनिचर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वही ग्रो करते हैं, तो उनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इस टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय नहीं होते, यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या एडाप्टेशन ही हो गया ना बच्चों, ठीक है। तो बेस्ड ऑन रेंज ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिवाइड किया है। ओके यानी कि ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर रेंज को बर्दाश्त कर सकता है, तो उसके हिसाब से यू गॉट यूरिथर्मल दे कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे उसका सबसे एग्जांपल है ह्यूमंस या मैमल्स,
मैमल्स बर्ड्स वगैरह जो है देखो मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है जनरली वो वाइड रेंज ऑफ, देखो हम लोग नॉर्थ पोल पे भी रह सकते हैं, साउथ पोल पे भी रह सकते हैं, टेम्परेचर जोन पे भी रह सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर अगर कम ज्यादा हुआ तो जो ऑर्गेनिज्म कम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर, हर टाइप के टेम्परेचर में रह सकता है वो हो गया यूरीथर्मल, और जो नैरो टेम्परेचर पे रहते हैं उनको कहते हैं स्टेनो थर्मल। स्टेनो मतलब दे कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म आपको खाली नॉर्थ पोल में मिलेंगे, कुछ आपको खाली कैन सी इक्वेटर में मिलेंगे। ओके, इसका नाम है वो उस टेम्परेचर जोन के बाहर नहीं आ सकते। अगर वो अपने टेम्परेचर जोन के बाहर आ जाएंगे या यू कैन सी वो ऐसे जोन में चले जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर यू कैन सी टोटली अपोजिट है, तो दे विल एक्चुअली डाई। ओके, तो ये डिपेंड अपॉन, तो ये एप्लीकेबल है प्लांट के साथ भी। इसके देखो आपको जो एप्पल का पेड़ है वो आपको नॉर्थ साइड में मिलेगा आपको, अंडरस्टूड, और यू कैन सी जो आपका कोकोनट है वो आपको यू कैन सी आपको नीचे कहाँ पे मिलता है आपको, कोस्टल एरिया में मिलेगा आपको। तो ऐसा क्यों? तो ये सब आपके यू कैन सी डिपेंड करता है वो कितना टेम्परेचर रेंज को क्या है टॉलरेट कर पाते हैं। तो जो प्लांट्स आपको हर नेचुरल रीजन में मिलेगा तो वो यूरीथर्मल हो गया, और जो एक पर्टिकुलर नेचुरल रीजन में ही पाया जाता है उसको स्टेनोथर्मल कहेंगे। ओके, जैसे जैसे आपका पोलर रीजन में जो प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं वो स्टेनोथर्मल है, क्योंकि उनको अगर आप इक्वेटर में लेके आओगे तो बस दे विल डाई। ओके, चलिए दूसरा फैक्टर है वाटर। तो वाटर इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको मालूम है कि 70-75% ऑफ आपका सेल प्रोटोप्लाज्म जो है, सेल का जो एक्चुअल लिविंग मैटर है वो पानी से ही बनता है, और बिना पानी के लाइफ का कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकता है ना। तो डेजर्ट ऑर्गेनिज्म इसके लिए उनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, तो लिमिटेड जितना भी पानी अवेलेबल है उस सारे पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये भी देखते हैं कि ये पानी इवेपोरेट ना हो। अदरवाइज प्लांट के पास नेचुरल टेंडेंसी होती है कि भाई 95-98% पानी जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया वो ट्रांसपायर हो जाएगा। तो ट्रांसपीरेशन जो होता है इट लीड्स टू ह्यूज लॉस। तो 95-98% वाटर लॉस प्लांट में ट्रांसपीरेशन की वजह से, इसके डेजर्ट प्लांट्स को ट्रांसपीरेशन लॉस को प्रिवेंट करना है। ओके, सो प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ये भी पानी पे डिपेंड करता है। इसके मतलब जहाँ पे पानी ज्यादा है या मॉडरेट क्वांटिटी में है तो वहाँ पे आपको ज्यादा डेंस ग्रोथ मिलेगा प्लांट्स का। तो प्लांट्स का अगर डेंस ग्रोथ हुआ है तो आपका एनिमल का भी होगा। इसके लिए रेनी सीजन में आप देखो किसी भी इन्वायरमेंट में जब रेनी सीजन आता है तो वहाँ पे प्लांट्स का पॉपुलेशन अचानक एक एंसी बढ़ जाता है, क्योंकि उनके स्पोर्ट्स, उनके सीड्स जनरेट करते हैं, उनके साथ ही जो एनिमल्स हैं उनको उनका भी एक एंसी मल्टीप्लीकेशन होता है, क्योंकि फूड अवेलेबल हो गया तो फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है जिससे यंग वंस तैयार होते हैं। अल्टीमेटली इसके रेनी सीजन में प्लांट के साथ साथ एनिमल का जो है, जैसे आपको मालूम है मॉस्किटो, बहुत सारे एनिमल्स जो है वो अंडे पे सॉरी पानी पे डिपेंड करते हैं अंडे देने के लिए, तो पानी नहीं होगा तो अंडे नहीं देते। तो इसके लिए मच्छर, मॉस्किटो, तो मॉस्किटो पॉपुलेशन भी देखो रेनी सीजन में बढ़ता है ना। फिर फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म वाटर क्वालिटी है ना, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अभी पानी में रहते हैं तो पानी का पीएच कैसा है, उसका केमिकल कंपोजिशन, से इसके लिए पोल्यूशन ह्यूमन की वजह से नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए कुछ जो प्लांट्स हैं वो एक्वाटिक मतलब आपका फ्रेश वाटर में रहते हैं वो सी में नहीं रह सकते, मराइन वाटर में नहीं रह सकते, तो जो मराइन में ग्रो करते हैं वो सी अपना फ्रेश वाटर में नहीं करते। तो इसके लिए हर ऑर्गेनिज्म एडाप्टेशन के हिसाब से अलग अलग वाटर बॉडीज में, जैसे अभी हमने बताया पीएच, लो पीएच आपका हाई एसिडिक कंडीशन में रहने वाले आपके कुछ बैक्टीरिया है एसिडोफिल्स कहा जाता है ना। अंडरस्टूड, तो द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो डिसाइड्स, तो सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड उसको कहते हैं सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। इट कैन बी लेस देन 5% इन इनलैंड वाटर, मतलब फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में सॉल्ट का लेवल 5% से कम होता है, 30-35% इन सी एंड मोर देन 100% इन सम हाइपर सलाइन लगूनस। तो लगूनस नेचुरली छोटा सा आपका मालूम है आपको एक छोटा सा लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी, उसको लगून कहते हैं, लैंड लॉक्ड लॉक्ड वाटर बॉडी, यानी कि समुद्र के आसपास ही, यानी कि ये समुद्र है यहाँ पे आपका ओशियन है, लेकिन एक लैंड बॉडी, एक वाटर बॉडी जो है वो नेचुरली क्या है, समुद्र के एकदम क्लोज है लेकिन इट इज सराउंडेड बाय लैंड। ओके, अंडरस्टूड, तो उसको लगून कहा जाता है। ओके, विच कैन बी हाइब्रिड, जैसे आपका डेड सी, डेड सी भी ऑलमोस्ट यू कैन सी आपका पूरा हॉली कॉन्सेंट्रेटेड यू कैन सी वॉट सॉलिड लेवल। तो बेस्ड ऑन टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी, क्योंकि नमकीनपन देखो बोलते हैं कि इसके लिए कि सिंस द लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर ऑफ द सी, इसके लिए हर ऑर्गेनिज्म का बॉडी सॉल्टी होता है
है ना। इसके मरीन वाटर मरीन फिशेज जो होते हैं वो ज्यादा सॉल्टी होते हैं, बिकॉज वो ज्यादा एक सॉल्टी वाटर को क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं, लेकिन उनके पास एबिलिटी होती है कि जो सॉल्ट वो लेते हैं उनका बॉडी एक्सेस सॉल्ट को क्या करता है रिमूव कर देता है। इन सब प्रोसेस को यानी कि भले बाहर कितना भी इन्वायरमेंट है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, इसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग को लास्ट ईयर एगेंसी फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था। ओके, तो सैलिनिटी के हिसाब से जैसे टेम्परेचर का देखा तो जो ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट सैलिनिटी पे ग्रो कर सकते हैं उनको कहते हैं यूरिहेलाइन। तो यूरिहेलाइन कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। उसका एग्जाम्पल है क्रैब। तो क्रैब्स फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, सी वाटर में भी रह सकता है, और जो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहते हैं यानी कि फ्रेश वाटर, वो यू कैन सी मछलियाँ जो खाली फ्रेश वाटर में ग्रो करती है, मरीन वाटर में ग्रो नहीं कर सकती, वो स्टीलोहेलाइन। तो स्टीलोहेलाइन, हेलाइन का मतलब सॉल्टी होता है। ओके, तो स्टीनो का मतलब होता है नैरो या शॉर्ट रेंज। ओके, तो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी पे वो सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल आपका बोल सकते हैं रोहू मछली। तो अगर रोहू मछली को आप मराइन इन्वायरमेंट में डाल दोगे तो वो मर जाएगी, है ना। अंडरस्टूड। तो मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग टाइम इन वर्ल्ड सी वाटर। तो ये एग्जाम्पल है स्टीनोहेलाइन का, एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स। तो ऑस्मोटिक ये कंडीशन हमने लास्ट ईयर देखो एक्सट्रीशन ऑस्मोटिक में पढ़ा था कि अगर आपका बॉडी है तो बॉडी के अंदर सैलिनिटी है सपोज 300 मिली ऑस्मोलैरिटी, है ना, लास्ट ईयर पढ़ा मिली ऑस्मोल, और बाहर अगर 10 है तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो बाहर अभी डायल्यूट कंडीशन हो गया, अंदर आपके बॉडी में क्या है हाइपर हो गया, तो बाहर का पानी जो है वो अंदर आने की कोशिश करेगा, और उल्टा है अगर बाहर अगर 1000 है और आपके बॉडी का ऑस्मोलैरिटी 300 है तो आपके बॉडी का पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इन दोनों केस में या तो आपका बॉडी फर्स्ट केस में नेचुरली आपका बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, और सेकेंड केस में आपका बॉडी क्या होगा, श्रिंक होगा, जो एक्चुअली इसको प्रिवेंट करना पड़ता है ऑर्गेनिज्म को। ओके, तो इसके लिए एडाप्टेशन है। इसके लिए फ्रेश वाटर फिशेज वो मराइन एनवायरनमेंट में रहने से मराइन एनवायरनमेंट वाले फ्रेश वाटर में नहीं रहते। ओके, चलिए, फिर लाइट इज द नेक्स्ट फैक्टर, क्योंकि लाइट आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस जो अर्थ का सबसे बेसिक सबसे फंडामेंटल बायोलॉजी का प्रोसेस है, क्योंकि बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या खुद जो ऑर्गेनिज्म लाइट को यूज करता है वो भी इसी प्रोसेस पे डिपेंड करता है फूड के लिए, ठीक है ना। तो स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट जैसे हर्ब्स एंड श्रब्स, ओके, are adapted to photosynthetic optimally under very low light, यानी कि शेड्स में रहते हैं। तो बड़े पेड़ों के शेड्स में आपके छोटी छोटी झाड़ियाँ घास वगैरह ग्रो करती हैं। ओके, बट टॉल एंड कैनोपीड, कैनोपीड मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उनमें एक छतरी जैसा, यानी कि जितने भी पत्ते होते हैं वो छतरी जैसा, उसको कैनोपी कहते हैं। ओके, यानी कि आपका पत्तों का आपका जो कवर होता है पेड़ों के एरियल पार्ट में उसको कैनोपी कहते हैं, कैनोपी यानी कि कैप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो तो मेनी प्लांट डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर फोटो पीरियडिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट देखो पॉइंट है, हर संडे इंपॉर्टेंट है। तो फोटो पीरियडिज्म इज द फिनोमेना इट मींस द फ्लावरिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ मच लाइट इज रिसीव्ड बाय अ पर्टिकुलर प्लांट। तो उसके हिसाब से देखो तीन टाइप के प्लांट्स होते हैं। ओके, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। तो जिन प्लांट्स को एवरेज से ज्यादा लाइट चाहिए होता है तब जाकर फ्लावर प्रोड्यूस, उसको लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। जिनको एवरेज से कम लाइट चाहिए उनको शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। और जो लाइट पे डिपेंड नहीं करते, लाइट भले कम रिसीव हो ज्यादा रिसीव हो तो वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, उसको न्यूट्रल प्लांट भी कहते हैं। ओके, तो फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स ओकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ क्रिटिकल डे लाइट, जिनको फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से तीन टाइप के प्लांट है, एलडीपी, एसडीपी एंड डीएनपी। तो मेनी एनिमल्स ऑल्सो यूज डायर्नल, मतलब डे टाइम को डायर्नल कहते हैं और रात के टाइम को कहते हैं नॉक्टर्नल। इसके देखो कुछ एनिमल्स का एक्टिविटी रात के टाइम पे होता है, कुछ एक्टिविटी दिन के टाइम पे अपने एक्टिविटी करते हैं। एनिमल का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है फीडिंग। तो जो एनिमल्स रात के टाइम पे शिकार करते हैं, रात के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, ओके, तो उनको नेचुरली उनका जो मॉडिफिकेशन होगा, एडाप्टेशन होगा, डिफरेंट होगा। कि जैसे जो रात के टाइम पे शिकार करके उनके आंखों में रिफ्लेक्टर्स होते हैं, है ना, जैसे शेर वगैरह बहुत सारे उनके आंखों देखो रात के टाइम पे चमकती है, बिकॉज दे कैन सी इन डिम लाइट। रात के टाइम पे जो स्टार लाइट होता है या मून लाइट है उसमें वो उनको क्लियरली दिखता है। ओके, तो मैनी एनिमल यूजेस द डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड फोटो पीरियड
स्पॉट टाइमिंग ऑफ देयर फोराज, फोराज मतलब जैसे आपका ग्रास ईटिंग को, घास खाने वाले प्रोसेस को फोराजिंग कहते हैं, ओके, यानी कि कैटल्स हो गए, फिर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, फिर माइग्रेटरी एक्टिविटी, यानी कि उनका भी टाइम एकदम फिक्स होता है, ओके, जैसे कब, यानी कि रात के टाइम पे सफर करना है कि नहीं, कुछ एनिमल्स रात के टाइम पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सीजन होता है या टाइम होता है दिन का, ओके, जैसे बर्ड्स का भी देखो, बर्ड्स एक पेड़ पे रहते हैं, वहाँ पे नेस्टिंग करते हैं, और फिर एक फिक्स टाइम पे सारे के सारे बर्ड दूसरे जगह पे जाते हैं और वहाँ पे फीडिंग करते हैं और फिर वापस यू कैन सी अपने घर पे आ जाते हैं। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर लाइट एंड टेम्परेचर ऑन द लैंड। तो सन इज द यू कैन सी सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी एज वेल एज व्हाट, थर्मल एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी, ओके। सो अगर डेप्थ की बात करेंगे तो सन जो है, ओके, वो मैक्सिमम देखो 500 मीटर डीप पेनिट्रेट कर सकता है। इसके 500 मीटर से अगर आप नीचे जाओगे, ये तभी कब, जब द वाटर इज क्लियर, क्लियर वाटर अगर रहेगा, वाटर अगर क्लियर रहेगा, उसमें डेब्रीज वगैरह नहीं है, सस्पेंशन नहीं है, तो वाटर में 300-500 मीटर तक सनलाइट जा सकती है। तो उसके नीचे का जो एनवायरनमेंट है वो डार्क रहता है, इसके लिए 500 मीटर नीचे कोई भी सन की एनर्जी अवेलेबल, यानी कि कोई भी आपका फोटोसिंथेसिस इस एनवायरनमेंट में नहीं होता है, ओके। सो द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर एनर्जी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ, कौन सा लाइट आ रहा है। जैसे आपको मालूम है लाइट के तीन पार्ट्स डिफाइन किया गया है, आपका विजिबल लाइट जो हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती है, फिर आपका इंफ्रारेड है, और आपका लेफ्ट साइड पे आपका क्या है, अल्ट्रावायलेट रे। और आपको मैंने देखो अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसमें यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है। जो अपर लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, स्ट्रेटोस्फीयर में, तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे उसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, है ना। तो यूवी स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसमें से कुछ यूवी यूजफुल है। जैसे यूजफुल यूवी जो है उससे क्या बनता है, विटामिन सी बनता है। यूजफुल यूवी लाइट उससे बनता है विटामिन डी बनता है स्किन में, है ना। लेकिन ज्यादा करके जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जिसको ओजोन लेयर क्या करता है, कैप्चर करता है। सो नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मरीन प्लांट्स, यानी कि मरीन प्लांट जो है समुद्र में रहने वाले, उनको सारे कलर्स नहीं मिलते। बिकॉज व्हेन द वाटर पासेस थ्रू द, सो व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द वाटर, तो बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं आपके वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं पानी में। इसके देखो जो आपका सी का कलर है नॉर्मली कैसा है, आपका ब्लू है, फिर आपका आकाश का कलर भी आपका क्या, सी अपीयर्स ब्लू, यू कैन सी व्हाट, स्काई अपीयर्स ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, ओके। चलिए लास्ट जो है वो है सॉइल। तो सॉइल रिप्रेजेंट्स द अपर मोस्ट, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, या जिसे लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं, है ना, अपर मोस्ट। So, nature and property of soil is different due to climate, weathering process, sedimentation and method of soil development. इसके लिए soil को study करने का एक branch ही है, इसको pedology कहते हैं, pedology, science का soil study of soil formation. Soil formation जो है वो आपका physical और biological दोनों process से होता है, तो इसको पेडोजेनेसिस कहते हैं। अभी बायोलॉजिकल प्रोसेस है अल्टीमेटली लाइकेंस जो है, लाइकेंस और आपके यू कैन सी ब्रायोफाइट्स, तो ये दोनों जो है दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है, बिकॉज वो वेदरिंग करते हैं। अदरवाइज ज्यादा करके सॉइल जो है वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्रिक्शन ऑफ, तो ये आपका वेदरिंग किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन ऑफ एयर और वाटर ओवर द लैंड मास, ओके। तो सॉइल कंपोजिशन, उसके पार्टिकल का साइज, एग्रीगेशन डिटरमाइंस द परकुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि एक सॉइल में कितना पानी अंदर डीप जाएगा। तो सॉइल का आपने उसमें क्या है, क्ले का, मतलब सॉइल में क्ले होता है, सिल्ट होता है, तीसरा होता है आपका सैंड पार्टिकल्स, और फिर डिकम्पोजिंग मैटर उसको ह्यूमस कहते हैं, और साथ में इसके साथ वाटर भी होगा। तो वाटर का अमाउंट, क्ले का अमाउंट, सिल्ट का अमाउंट, सैंड का अमाउंट, और उसमें पाया जाने वाला जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर है
तो ह्यूमस इज द डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये डिटरमाइन करता है कि उस सॉइल में कौन से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं या कौन से एनिमल्स को वो सहारा दे, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे कैंसी रेप्टाइल्स, मैमल जैसे चूहा है अपना वो सॉइल के अंदर कैंसी वॉट का बरोज बनाता है, फिर आपका क्या बोलते हैं अपना रैबिट है वो भी सॉइल के अंदर ही अपना घर बनाते हैं, फिर अर्थवॉर्म्स हो गया ये हमको मालूम है वो तो फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है वो भी सॉइल के अंदर रहते हैं, बहुत सारे कीड़े अपना सॉइल को जब आप डिक करोगे बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट तो सॉइल का माइक्रो फ्लोरा एंड फौना रहता है। ओके तो बहुत सारे एजेंसी लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल में ही ग्रो करते हैं, प्लांट का रूट भी देखो सॉइल के अंदर ही ग्रो करता है, कुछ प्लांट के जो स्टेजेस होते हैं गैमेटोफाइट बोलोगे या स्पोरोफाइट वो सॉइल के अंदर ही ग्रो करते हैं ना। फिर दिस कैरेक्टरिस्टिक एंड पैरामीटर्स लाइक पीएच कितना है, मिनरल्स का अमाउंट क्या है, टोपोग्राफी मतलब सरफेस फीचर, सरफेस कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ग्रैन्यूलर है ना, ये सब डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट ग्रो करेंगे और कौन से एनिमल उस इन्वायरमेंट में रहेंगे। इन एक्वाटिक एनवायरमेंट जो तला होता है उस वाटर बॉडी का जो एकदम बॉटम होता है बॉटम, उसमें सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो सैंडी है या क्लेई है या एक ऐसी मडी है, तो ये सब डिपेंड करता है बेंथिक। बेंथिक का मतलब होता है डीप, अभी बेंथिक का मतलब डीप एक ऐसी लेयर्स में जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, एग्जाम्पल मतलब डीप सी में जो एनिमल्स ग्रो करते हैं। ओके ओके बच्चों, तो इस तरह आज हम लोग यहाँ पे एजेंसी हम लोगों ने सबसे पहले इकोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट को देखा, इकोलॉजी में हम लोग इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को देखा, उसके कंपोनेंट्स को देखा और ये देखा कि कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर्स इन्वायरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सपोर्ट ऑफ आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी नेक्स्ट एजेंसी लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अबायोटिक फैक्टर के हिसाब से क्या क्या चेंजेस लाते हैं, किस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्ट करने के लिए हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीके से फिर क्लासिफाई किया जाता है। ओके बच्चों।